गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, कल हमने क्या किया था? कर्म का फल पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज किए थे। ऑल राइट, तो आज आपको क्या करना है? मैंने आपको कल बोला था कि आपका उसका रिवीजन टेस्ट होगा, तो आज आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप से लिखने हैं बिना देखे। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर वन इज, ऊंट को देखकर गीदड़ ने क्या सोचा? ऊंट को देखकर गीदड़ ने क्या सोचा, इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज, वन में रहने वाले जीव कैसे थे? वन में रहने वाले जीव कैसे थे? आप सबको इसका आंसर पता है ना, तो आपको यहाँ पे वो आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, ऊंट ने खेत में क्या क्या खाया? ऊंट ने खेत में बहुत सारी चीज़ें खाई थी ना, तो आप सभी को पता है उन सब चीज़ों के नाम, हमने क्लास में भी रिवाइज किया था, तो आपको यहाँ पे लिखना है और कंप्लीट आंसर लिखना है आपको। ओके, वन वर्ड में नहीं लिखना है। सो ऊंट ने खेत में क्या खाया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, सभी जीवों में अपने को सबसे अधिक चतुर कौन समझता था? यानी कि सभी जानवरों में अपने आप को सबसे ज़्यादा चालाक कौन समझता था? इसका आंसर आप सभी को पता है ना, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, अगर आपने अभी तक आंसर्स लर्न नहीं किए हैं तो आपको लर्न करने हैं आंसर्स, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखने हैं, देख के नहीं लिखने हैं। ओके क्लास, सो यू हैव टू सॉल्व दिस गिवन वर्कशीट इन योर हिंदी लिटरेचर नोटबुक वेरी नीटली। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।